अपना शूट देख रही हूँ। तो इसी के साथ जो हमारी पैकिंग वगैरह हो गई है यहाँ पे एंड मैं यहाँ पे बटन लाके लगा के जा दूंगी हल्के हल्के से, ठीक नहीं? अच्छा मीठी बातें करें पहले के साथ। सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आरडीएक्स राइडर्स। तो केम छो, आई होप यू ऑल आर मजा में। सो गाइस, अभी का कैसी ने, जिन्होंने मेरा पिछला ब्लॉग देखा है उनको तो पता होगा कि भाई मैं जा रहा हूँ एक रोड ट्रिप पे, तो उसी की तैयारी करनी है। तो अभी क्या है कि मुझे अपनी जो पैकिंग करनी है, तो भाई मैंने पैकिंग की नहीं है। शाम को 6 बजे मेरी ट्रेन है एंड यहाँ से ट्रेन है मेरी भिवानी की। वहाँ पे मेरे को जो जीजू और दीदी मिलेंगे, तो उनके साथ जो मेरी आगे की ट्रिप स्टार्ट होने वाली है एंड आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो अभी क्या है कि मैं पैकिंग कर लेता हूँ, बिकॉज़ मैंने कुछ भी नहीं कर रखा है, टाइम कम है एंड काम ज़्यादा है। सो फटाफट से पैकिंग करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बाइक दिखाता हूँ अपनी शब्बो, बिकॉज मैं बाइक पे तो जा नहीं रहा, ट्रेन पे जा रहा हूँ। तो उसको भी जो जाते जाते एक बारी कोल्ड स्टार्ट कर देता हूँ, बिकॉज 1 से 1.5 महीना होने जा रहा है आज बाइक को, जो स्टार्ट नहीं की है। तो अभी बाइक को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं बाइक स्टार्ट होती है या नहीं होती। लेट्स गो गाइस। देखा भाई, मतलब कि अभी भी ना शब्बो 1 साल में जो स्टार्ट हुई, मानते हो भाई, ये होती मेंटेनेंस। अगर आप अपनी बाइक को या व्हीकल को अच्छे से जो मेंटेन करके रखोगे ना भाई, तो ऐसे ही आपका जो बाइक है एंड व्हीकल जो भी रहता है वो अच्छे से जो रिस्पॉन्स देता है। एंड भाई अपना बैग वो निकालते, पैकिंग वूकिंग करते हैं, निकलते हैं यार। बैठी हुई हूँ, अपना शूट देख रही हूँ। कहाँ पे आपका सूट है? सूट कहाँ? ये जी मेरा, ये मेरा सूट। ये एक मैं शॉल लेके आई हूँ, एक मैं सूट लेके आई हूँ। ये मेरा वुलन सूट है जी। आर यू श्योर ये आपका ही सूट है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कैसे पता है? ये मेरा है जी, मैं आपको पहन के दिखा सकती हूँ। पहन को सब कुछ दिखा सकते हैं। हम आपसे इस सूट के बारे में चर्चा करेंगे 4 तारीख के बाद। अब हम 4 तारीख को आएंगे ना, 4 तारीख के बाद हम आपसे इस सूट के बारे में चर्चा करेंगे। ये सूट कहाँ गया आपका? प्लाजो है, ये इसका शर्ट है। छू के देखिए जरा, वाओ। आप तो वैसे भी हमेशा हर चीज अच्छी लेते हो, और इस इंसान को मतलब कि फोन से फुर्सत नहीं। देख ले मम्मी, फोन में फंसा हुआ है अभी भी। देख ले मम्मी, बोल नहीं रही कुछ। टाइम देख ले, तू जब इसको सूट दिखा रही थी ना, तब भी मतलब फोन में फंसा हुआ था। अभी भी नहीं छोड़ रहा, देख ले मम्मी फोन। ऑलराइट गाइस, तो इसी के साथ जो हमारी पैकिंग वगैरह हो गई है एंड तुम्हारी पैकिंग वगैरह होगी है, बस अब जाता हूँ मैं सैलून में, कटिंग कुटिंग करा के आता हूँ, अपनी शक्ल को सुधार के आता हूँ एंड उसके बाद फिर 5 बजे का वेट करते हैं। फिर पापा मेरे को अम्बाला गेंट छोड़ के आ जाएंगे, 6:20 पे हमारी ट्रेन है। सो मिलते हैं उसके बाद आपको गाइस। ऑलराइट जी, इसी के साथ जो मैंने भाई कटिंग करा दी है, तो एक बारी कमेंट करके जरूर बताना भाई कैसा लगा तुम्हारा। सेक्सी लग रहा है ना भाई? सेक्सी तो है ही है तुम्हारा। एंड अभी क्या कैसी है ना गाइस, की नहाता हूँ, धोता हूँ, फ्रेश होता हूँ एंड मम्मी सोच रही है कि जो उनके टेक लिए ना मैंने, कि शायद मैं अपलोड नहीं करूँगा, जो आप लोगों ने ऑलरेडी देख ली है, बट भाई तुम्हारा अपलोड तो करेगा। तो ठीक है यार, तैयार होते सीधे बाप को शाम को मिलेंगे गाइस। राइट गाइस, तो इसी के साथ तुम्हारा भाई जो तैयार हो गया है, देख सकते हो सेक्सी लग रहा है ना। तो भाई सेक्सी तो है तुम्हारा भाई। एंड अभी यहाँ से निकलते, टाइम हो गया 4:30 के अप्रॉक्स, बस अभी यहाँ से करते कराते निकलते एंड 6:20 पे हमारी ट्रेन है भाई। तो अभी रेलवे स्टेशन जाना है, वहाँ पे जाके अपनी जो टिकट है वो भी लेनी है, तो टिकट वगैरह सब कुछ लेके फिर ट्रेन में बैठेंगे। इसके बाद आपको भी दिखाते हैं भाई साहब ट्रेन का सफ़र भाई, सोलो ट्रिप। राइट गाइस,
गाइस तो इसी के साथ जो हम निकल चुके हैं एंड अभी गाड़ी में बैठे हुए हैं, पापा जो ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी, पीछे अपनी माता जी है, मम्मी मम्मी अभी मैं ही जा रहा हूँ, मम्मी तो नहीं जा रही। एंड अगर आप लोग चाहते हैं ना गाइस कि हम भाई डेली ब्लॉग करूँ मैं अपनी मम्मी के साथ, तो इसको वीडियो पे 50 कमेंट आ जाने चाहिए। अगर इस वीडियो पे 50 कमेंट आ जाते तो मैं अपनी मम्मी के साथ जो डेली ब्लॉग करूँगा यार, कमेंट पे इस वीडियो पे भाई फटाफट से कमेंट करो। एंड भाई मिलते फिर आपको सीधे आगे। ऑलराइट गाइस, तो इसी के साथ जो अभी हम स्टेशन पहुंच गए एंड ट्रेन तो अभी यहाँ पहुंची नहीं है। अभी मम्मी है जो टिकट काउंटर पे गई है टिकट लेना है, बिकॉज जो लेडीज की लाइन है वहाँ पे अभी लाइन नहीं लगी हुई है, जेंट्स वालों में भाई लाइन ही बहुत ज्यादा लगी हुई है। आप देख सकते हो ये टिकट जो काउंटर है और एक ये है। ब्लॉगिंग करो भैया, ब्लॉगिंग यूट्यूब पे चैनल है, अलाउड नहीं है क्या यहाँ पे? साला चलता है मुझसे मजनू। राइट गाइस, तो इसी के साथ तो जो मैं अभी ट्रेन में बैठ चुका हूँ एंड भाई ट्रेन की बात बोलूँ ना गाइस तो बिल्कुल खाली पड़ी है भाई, देख सकते हो पूरी ट्रेन खाली पड़ी है। एंड अभी जो मैं टिकट काउंटर में टिकट कटवाने गया था एंड परे से एक पुलिस वाले आए एंड पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम हुई, बोलते हैं यहाँ पे वीडियो शूट करना अलाउड नहीं है। तो मेरे को तो पहली बार समझ आया कि एक रेलवे स्टेशन पे वीडियो शूट करना क्यों अलाउड नहीं है, जब हम एयरपोर्ट में जाते हैं वहाँ पे भी तो हम वीडियो शूट करते, तो रेलवे स्टेशन में क्यों नहीं हम जो वीडियो शूट कर सकते। तो ऐसे लग गया था थोड़ा बहुत बोलने, उसके साथ थोड़ी बहुत बहस बसाई हुई थी मेरी, बट फाइनली अपने को ट्रेन मिल गया एंड थोड़े बहुत जो आपको सिनेमैटिक शॉट जो दिखाएंगे इंजॉय करना, रात को तो वैसे भी कुछ नहीं देखने को मिलेगा। सो मिलते हैं आपको गाइस ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। अभी ना गाइस हमें जो कुरुक्षेत्र से थोड़ी दूर है एंड पता नहीं वॉइस आप लोगों को आ पा रही होगी या नहीं आ पा रही होगी, तो भाई यहाँ पे ना ठंड ऐसी लग रही है ना, फटी पड़ी है ठंड के बीच। आप देख सकते हो मैं पूरा पैक हुआ हूँ, बट फिर भी मैंने अपने लिए जुगाड़ लगा रखे थे, बिकॉज क्या है ना कि जो हाथ है उसमें भाई ठंड लगेगी, आप चाहे जो मर्जी कर दो, एंड पाँव जो उसमें भी ठंड लगेगी। तो उसके लिए मैंने जो गर्म पानी की जो बॉटल रहती है ना वो लेके आया हुआ था मैं घर से, तो उसको लगाता हूँ यहाँ पे चार्जिंग पे एंड पानी गर्म करते उसके बाद उसमें हाथ डाल देंगे आराम से। ये आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे भाई पूरा इंतज़ाम होता है ट्रेन में, एंड यहाँ पे जो अपनी वाटर वाली बॉटल है वो लग चुकी है चार्जिंग पे, इसमें पानी गर्म हो जाएगा भाई, इसमें आराम से मस्त हाथ डालेंगे यहाँ से अंदर को एंड पूरे रास्ते बढ़िया जाएंगे। यहाँ पे अपना चार्जिंग पे फ़ोन भी लगा देता हूँ साथ के साथ। अभी क्या कैसी ना, अभी हम जो है कुरुक्षेत्र पहुँच चुके हैं एंड इससे भी आगे भी तो बहुत दूर जाना है मैंने, मतलब कि 256 किलोमीटर के अप्रॉक्स है। अगर आप लोग गाइस मतलब कि बस में आएंगे ना तो आपको यहाँ की भिवानी की टिकट पड़ती है डेरा बसी से 500 रुपये समथिंग की, बट अगर आप अपने व्हीकल पे आते हो अपनी गाड़ी में आते हो तो भाई आपको 4 से 5 हज़ार रुपये लग जाता है आना जाना, बट अगर आप ट्रेन में आते हैं तो भाई 90 रुपये में आना और 90 रुपये में जाना, 180 रुपये में आना जाना हो जाता है। तो भाई देख रहे हो ट्रेन की बेनिफिट, ऊपर से कोई थकान नहीं होती, रोम से बैठे रहो सोए रहो, अपना फ़ोन वगैरह रहता है जो चार्जिंग पे भी लगा सकते हो, एडिटिंग वगैरह कर सकते हो, सारी फैसिलिटीज रहती है भाई इंडियन रेलवे। अभी ना हम पहुंचने वाले हैं रोहतक, तो भाई इसके बाद भी अभी 1-1.5 घंटा लग जाएगा अपने को यहाँ से, एंड भाई फटी पड़ी है ठंड से लग जाएगा यहाँ से टाइम 1.5 घंटा भी यहाँ से फटी पड़ी है हमारी, अमेजिंग भाई। पर एक बात है भाई, जो ट्रेन में सफ़र होता है ना भाई अमेजिंग होता है, अपनी व्हीकल से भी ज़्यादा बढ़िया ट्रेन में भी सफ़र होता है। तो भाई मैं तो सच में बोलूँगा जो इंडियन रेलवे है जो मतलब कि ये यहाँ पर चलती है पंजाब वगैरह में, तो भाई अमेजिंग बहुत जल्दी पहुंचा देती है। जो अपने हिमाचल में भाई वो तो टॉय ट्रेन है, वो तो थोड़ा चलती भी स्लो है,
एंड तुम्हारा भाई देखो सेक्सी लग रहा है ना। ट्रेन में मतलब कि वॉशरूम वगैरह रहते वो चेक करवाते। ये देखो भाई हाथ लगाने का भी मन नहीं कर रहा 1%। ये रहते हैं यहाँ के वॉशरूम। देखो शहरी भी मारी भी मीठी बातें क्या लिखी हुई। अच्छा मीठी बातें करे पायल के साथ। ओह नंबर लेके गया भाई। देखो जिसको जिए तो ले सकते हो। भाई सिर्फ आप लोगों के लिए करना पड़ रहा है वरना पानी में हाथ लगाने का उस वक्त बिल्कुल मन नहीं बिल्कुल भी। एंड ट्रेन की बात करूँ तो पूरी ट्रेन खाली पड़ी है। आपको ना गाइस एक चीज़ दिखाता हूँ मैं ट्रेन में, मतलब कि सभी लोग जो जानते भी इस चीज़ को बट कहीं उन्हें देखी हुई है कहीं उन्हें नहीं देखी हुई है। जो तो रेगुलर ट्रैवल करते हैं ट्रेन में उनको तो पता होगा, जो नहीं करते उनको नहीं पता, तो मैं दिखा देता हूँ। ये वो चेन, अगर इसको कोई खींच देगा ना भाई उसी टाइम में जो ट्रेन रुक जाएगी। बट अगर आप रोकते तो यहाँ पढ़ सकते हो क्या लिखा हुआ है, आपको जो जुर्माना देना पड़ सकता है 1000 तक का, एंड इसमें जो आपको जेल भी हो सकती है अगर आप चेन खींचते विदाउट एनी रीज़न। तो देख रहे हो क्या बोलते हो खींच दो। हम शरीफ लौंडे तो शरीफ बन के रहेंगे, ऐसे गलत काम नहीं करते ठीक है गाइस। तो आप लोग को भी जो नहीं करने। 2 hours later ऑलराइट गाइस, तो इसी के साथ जो हम रेलवे स्टेशन पहुंच गए जो भिवानी का रहता है, एंड यहां से जाते आगे वहाँ से हमारे को जो ऑटो मिल जाएगा एंड ऑटो में जाके हम अपने घर को निकल जाएंगे। ये अपनी ट्रेन है जिसमें हम आए, तो वो भाई चलते फटाफट से यार सामान भी बहुत सारा, तो आपको सीधा घर में मिलते गाइस। निशाने सीधे मार दिया तेरा दे निशाने सीधे हो सिर तलंग दे फलाई करके उच्चिया ने गल तेरे यार दिया उच्चिया ने गल तेरे यार दिया उच्चिया ने गल तेरे यार दिया। ऑल राइट जी, इसी के साथ जो हम भाई अपनी बहन के घर पहुंच चुके थे आप लोगों को रात को, जैसे कि मैंने बता भी दिया था। अभी अपना भाई जो तुम्हारा तैयार त्यूर हो गया, नहा धो के फ्रेश हो गया है। एंड इस बार ये आया था इस वक्त में सारे बंदे भी थे ट्रेन में, बट जब मैं पिछली बार ये आया था गाइस तो उस टाइम में जो ट्रेन के बक्से थे ना जो डब्बे थे मैक्सिमम सारे खाली थे। तो अगर आपको लगे कि भाई डब्बे खाली हो रहे हैं बंदा कोई नहीं आपके साथ, तो कोशिश करो कि आप जो अपनी सीट है उसको चेंज कर लीजिए एंड जिस डब्बे में बंदे वहाँ पर जाके बैठ जाइए ताकि आपकी जो सेफ्टी रहे। बिकॉज अगर आप अकेले बैठे रहेंगे तो भाई कुछ भी हो सकता है एंड किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो इन चीज़ों का तो जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। बाकी जो ट्रेन में किराया रहता है भाई बहुत कम रहता है जनरल डब्बे का, बट अगर आप लोगों का जो बुकिंग वगैरह कराते हैं तो फिर वही आपके 300-400 रुपये लग जाते हैं, बट उसमें आपको जो फैसिलिटीज़ मिलती है, जैसे कि अभी हम जो ट्रिप पे जा रहे हैं तो उसमें हमने जो है सीट बुक करवाई हुई है, तो उसमें एक अलग ही मज़े होंगे, उसमें आपको मज़े भी आएंगे। एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ऐसी वीडियो की क्वालिटी में एंड ऐसी वॉइस में क्या मज़े आएंगे ब्लॉग के, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप मेरे फ़ोन से देख रहे हैं ब्लॉगिंग जिससे मैं शाम को भी करता, बट अब उस फ़ोन से मैं ब्लॉग करता हूँ जिससे मैं पूरी ट्रिप के जो ब्लॉग करूँगा तो उसमें मिलता हूँ आपको गाइस। सो ऑलराइट गाइस, सो ये देख सकते हो भाई आप, इसमें आपको जो वॉइस भी बहुत अच्छी आ रही होगी एंड जो वीडियो की क्वालिटी है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही होगी, आप लोगों को खुद ही पता चल गया होगा। तो इस कैमरे से जो भाई ब्लॉग शूट होने वाले हैं एंड इस कैमरे में तो भाई वाइड एंगल लेंस भी है, तो आपको तो बेहद मजा आने वाला है इस बारी ट्रिप पे। एंड बस ये बोलूँगा कि जिन्होंने हमारे चैनल को शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो एंड जितना हो सके हमारे चैनल को जो शेयर करो भाई, अमेजिंग मजा आने वाला है इस ट्रिप में ना। आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे जो सिनेमेटिक शॉट मिलने वाले हैं, सब कुछ होएगा भाई पूरी उधम। एंड गाइस अभी का कैसी ना कि दीदी वगैरह एंड जीजू है नीचे, तो मतलब कि खाना खुना रेडी कर रहे हैं, तो इस करके उनसे इस ब्लॉग में नहीं मिला पाऊंगा, बट अगले ब्लॉग में जरूर है जो आपको मिला दूंगा उनसे भी। तो एंड होप करता हूँ आपको इस ब्लॉग में भी अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। एंड जो मम्मी है ये ब्लॉग में इसका भी एक भाई जरूर बताना अच्छा लगा या नहीं लगा, एंड एक बार कमेंट करके जरूर बताना गाइस की
मेरे को डेली ब्लॉग करने चाहिए या नहीं करने चाहिए मम्मी के साथ। अगर आप लोग कमेंट करते इस वीडियो में 50 कमेंट आ जाते हैं गाइस कि भाई डेली ब्लॉग करने चाहिए मुझे अपनी मम्मी के साथ, तो जरूर है जो मैं डेली ब्लॉग भी करूंगा। ऊपर से आपके भाई का बर्थडे है 1 तारीख को, तो ये ब्लॉग तो थोड़ा लेट आ रहा होगा, बट विशेज कर देना नीचे। एंड जिसने गिफ्ट भिजवाने होंगे भाई भिजवा देना, एड्रेस मैं दे दूंगा, नहीं तो मेरे इंस्टाग्राम पे आइए, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। बाकी ठीक है यार, होप करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर अच्छी लगी हिट लाइक डू सब्सक्राइब, मिलते हैं किसी अच्छे से ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय, लव यू। इसके बाद आएंगे सारे ट्रिप वाले ब्लॉग, बाय बाय गाइस। हाँ मैं पहाड़ी हूँ, पहाड़ी मेरी शान है, मेहनत भरी खून में और हार्ड वर्क काम में, फौज का नाम सुनते ही आ जाता हम मैं चाम में, घर घर जाके देखो हर घर से सैनिक निकलेगा, देश के खातिर जान भी कर देते हम कुर्बान है, डांस में भी